प्रणाम करतानी भोजपुरी देखे वाला सब दर्शक लोग के आजुगल बानी हम ममता तिवारी राउर पसंदीदा प्रोग्राम ओ वुमनिया के लेके हर बार के लेखा हर बार ए बार भी ले आई बानी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री स्टार लोग से जुड़ल हर वो ताजा तरीन खबर के लेके जो जनला का बाद रोज सबके होकी बहुत खुशी। लेकिन उससे पहले हम दर्शक लोग के मैसेज भी बताई ले जो खुशी खुशी अपन दर्शक ना अपन स्टार लोग खातिर मैसेज करे ला लोग आ मैसेज के हम देखा भी नहीं तो आज हो लेके आई बनी ऐसा ही दो को मैसेज तो मैसेज पर पहले नजर डाली देखी। दोनों जना के इतना सुंदर सुंदर प्यारा मैसेज करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आज के प्रोग्राम के आगे बढ़ावे के सिलसिला में अब समय हो चुकल बा खबर के जान लेवे के जो इंडस्ट्री स्टार लोग से जुड़ल बा तो खबर पर भी एगो नजर डाली देखी। हाल ही में खेसारी लाल यादव आए अपनी बात रखते हुए मीडिया पर और साथ ही साथ इस दौरान वो मीडिया पर काफी ज्यादा बरसते हुए दिखाई दिए और साथ ही उन्होंने अपने से जुड़ी अफवाहों पर विराम लगाते हुए क्या कुछ बातें कही चलिए सुनाते हैं आपको इस खास वीडियो में। किसी न्यूज रिपोर्टर ने मुझसे कुछ पूछा था कि राम मंदिर का क्या होना चाहिए तो मैंने इसमें बोला है कि राम मंदिर ऐसा नहीं कि नहीं बनना चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। मैंने इतना ही बोला तब तक उसने उतना बात डाल दिया है, उसके आगे के पीछे की चीज़ें नहीं डाला। और ऐसा नहीं कि मैं राम मंदिर को और अपने आस्था को मैं खुद ठेस पहुँचाने वाला हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा मानना यह है कि जब भी चुनावी मुद्दा आता है तब राम मंदिर के और बाबरी मस्जिद के मुद्दे आते हैं, तो वहाँ पर दोनों चीज़ें बने या नहीं बने वो तो कानून फैसला करेगा, मैं कौन होता हूँ और मेरा कोई अधिकार नहीं बनता कि मैं इस चीज़ पर डिसीजन लूँ कि हाँ ये नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। मैं बहुत बड़ा नहीं हूँ, उसके लिए कानून है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अगर बनना होता नहीं बनना होता तो अब तक बन गया होता, हर 5 साल पे ये मुद्दा उठता है और हम जनता को डिस्टर्ब होती है, हमको प्रॉब्लम होती है, हमारे भाई लोग चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो आपस में लड़ते हैं फिरते हैं। इन दिनों भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अपनी फिल्मों को लेकर जहां काफी चर्चे में हैं तो वहीं हाल ही में खेसारी लाल यादव की एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो गरीबों को कंबल बांटते हुए नजर आए तो उन्होंने मीडिया से भी ढेर सारी बातें की। तो वहीं जब वो वहां से जाने लगे तो वहां पर कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि आप अगर अपने फैंस को कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे। तो ऐसे में खेसारी लाल यादव ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि अगर आपको भगवान ने इस लायक बनाया है कि आप कुछ कर सकते हैं तो आप समाज के उस वर्ग की थोड़ी सहायता ज़रूर करें जो कि अपनी ज़िंदगी में मूल ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते। बता दें आपको कि खेसारी लाल यादव जहां अपनी फिल्मों को लेकर फैंस के बीच सुपरस्टार कहलाते हैं तो वहीं वो रियल लाइफ में चैरिटी करके और साथ ही साथ ज़रूरतमंदों की मदद करके भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं और साथ ही उनके रियल हीरो भी कहलाते हैं। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से चांदनी की रिपोर्ट। भोजपुरी सिनेमा की एक से एक बड़ी फिल्में आने वाले साल यानी 2019 से रिलीज होना शुरू हो जाएंगी। जिन फिल्मों का शोर अभी से है, किसी का ट्रेलर सोशल मीडिया पर रिलीज होता है तो किसी फिल्म का मुहूर्त। फिलहाल एक नई फिल्म ट्रेलर के रिलीजिंग के समय से ही चर्चाओं में है। इस फिल्म का नाम है रानी वेट्स राजा, जिसके शूटिंग से जुड़े कुछ तस्वीरें हाल ही में सामने आई हैं। इन तस्वीरों में रितेश पांडे और रानी के कई सेट्स देखने को मिले हैं। देख पा रहे होंगे आप इन तस्वीरों में कि रानी ने मांग में सिंदूर लगाए गांव की एक चुलबुली लड़की के किरदार में है, तो वहीं रितेश पांडे अपनी पत्नी से प्यार करने वाले एक प्रेमी की तरह दिखाई दिए हैं जो अपनी पत्नी के खिलाफ बातों को सुनकर लड़ते भी हैं और प्यार भी बहुत करते हैं। फिल्म का ट्रेलर भी सोशल मीडिया पर रिलीज होने के बाद काफ़ी पसंद किया गया है। शायद यही कारण है कि इस फिल्म को सिनेमाघरों में देखने की बेताबी भी दर्शकों में अभी से है। फिलहाल हम और भी कुछ तस्वीरें लेकर आए हैं जो आपको दिखा देते हैं। नेक्स्ट टू 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। भोजपुरी सिनेमा की हॉट के कंजना सिंह पुराने दौर की वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने दर्शकों के दिलों में अभी तक अपनी खास जगह ना सिर्फ बनाई बल्कि अंजना की फिल्में और हीरो के साथ उनकी हर जोड़ी को दर्शकों ने खूब प्यार दिया है और अभी तक देते हैं।
जानकारी के लिए बता दें कि अंजना सिंह एक समय पर अपनी फिल्मों के अलावा अपनी लव स्टोरी को लेकर भी चर्चाओं में रह चुकी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अंजना खेसारी लाल से अपने मनमुटाव को लेकर कुछ ही दिनों पहले चर्चाओं में आ गई थी। अंजना और खेसारी एक दूसरे के बड़े पक्के दोस्त माने जाते थे। एक समय पर ऐसा कहा जाता था कि खेसारी के फिल्मी करियर के शुरुआत में अंजना सिंह ने उन्हें बहुत साथ दिया है। और तो और, अंजना सिंह ने मनमुटाव के दौरान ये बात भी स्वीकारी थी कि खेसारी जब इंडस्ट्री में नए नए आए थे तब वो अंजना की गाड़ियों का ही प्रयोग किया करते थे। वेल, गाड़ी से याद आया, हाल ही में अंजना ने एक नई कार खरीदी है जिसकी कीमत 35 से 40 लाख रुपए है। फॉक्स वेलन की लाल कार के साथ हाल ही में अंजना ने अपनी एक तस्वीर भी शेयर की है जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया है। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। आज के खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ताजा तरीन खबर और नया नया मैसेज का साथ। लेकिन तब तक खातिर हमरा की दी इजाजत, प्रणाम।